नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ओके स्टाफ ऐप में। ओके स्टाफ अपना स्टाफ मैनेज करने के लिए बहुत ही आसान, सबसे सुरक्षित और बिल्कुल फ्री ऐप है। यहाँ पर आप अपने स्टाफ की सैलरी, उनके अटेंडेंस इत्यादि चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओके स्टाफ को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओके स्टाफ ऐप इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, चाहें तो स्टाफ ऐड करने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा और फिर उसके बाद में OTP वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा। OTP डालने के बाद इस तरह की स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऐड स्टाफ बीचों बीच है। आप ऐड स्टाफ पे क्लिक करके अपना स्टाफ को ऐड करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉपअप में मांग रहा है कि क्या आप अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की अनुमति दे रहे हैं। अगर मैं दूंगा तो मेरे लिए स्टाफ ऐड करना और भी आसान हो जाएगा सीधे अपने कॉन्टैक्ट्स में से। मान लीजिए मैंने अलाउ कर दिया, आप चाहें तो डिनाई भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया और यहाँ से मैंने नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला। आगे इसके बाद सैलरी की डिटेल्स डालनी होगी। सैलरी की डिटेल्स डालने के लिए सबसे पहले पूछेंगे कितनी सैलरी है उस एम्प्लॉय की, आपके स्टाफ की। मान लीजिए 5,000 रुपये मंथली मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, ये डाल दिया। मंथली डालना है, वीकली डालना है, डेली डालना है, आवर्ली डालना है, ये आपके ऊपर है। उसके बाद में आप कितने घंटे रेगुलर उनके वर्किंग आवर्स रखते हैं, वो आपके ऊपर है। मान लीजिए 8 रखे मैंने, 8 को चेंज करके अगर आप चाहें तो और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वीकली हॉलीडे कब आप फिक्स करना चाहते हैं, मान लीजिए हम संडे का उनको वीकली हॉलीडे, तो यहाँ पे संडे पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में आगे बढ़ जाऊँगा। उसके बाद में एडवांस अगर आपने कुछ दे रखा है तो मान लीजिए मैंने 500 रुपये उनको पहले से दे रखे हैं। अगर कोई पहले से ड्यू है, बकाया कुछ है, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं ऐड किया, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे उनका जॉब टाइटल पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपसे ऊपर ये देखिए प्लस के साइन के साथ में पूछ रहे हैं उनका प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। आप इस पर क्लिक करके उनका प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। आप जॉब टाइटल वहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने डाला मुनीम, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट आप जो भी चूज़ करना चाहें कैलेंडर से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आज की ज्वाइनिंग डेट डाल दी, 9 दिसंबर है। उसके बाद SMS अलर्ट आप उनको भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो होगा क्या, जैसे ही आप कुछ भी इसमें ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे, तो उसका एक SMS उन्हें चला जाएगा उनके मोबाइल नंबर पर। तो अगर आप बंद करना चाहते हैं उसको तो यहाँ पे बंद कर दीजिए, चालू करना चाहते हैं तो चालू कर दीजिए। उस SMS की भाषा आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। मैंने जैसे हिंदी रखी हुई है, ये मैंने सेव डिटेल्स कर दी। आपका स्टाफ एक ऐड हो गया। अब यहाँ से आप उनकी सैलरी, उनके अटेंडेंस सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस मैनेज करने के लिए यहाँ पे A और P लिखा हुआ है। आज की अटेंडेंस आपको मार्क करनी है, ऊपर डेट लिखी है 9 दिसंबर। अगर आपको आज की प्रेजेंट मार्क करनी है तो P पे क्लिक कर दें। अगर आपको यहाँ पे फुल डे, हाफ डे, ओवर टाइम, जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है उसके अनुसार भरना है तो वो कर दें, वरना जो आपने भरा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा कि 8 वर्किंग आवर्स है, इतना अमाउंट होता है। तो ये आपका क्योंकि आपने डाला था 5,000 रुपये, तो उनके हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया है कितना होता है। तो ये यहाँ पे मैं जैसे ही करूँगा आज की प्रेजेंट लग गई। इसके बाद स्टाफ के बारे में अगर कुछ आपको ऐड करना है तो उनके नाम पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देखिए आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एडवांस के अलावा आप बोनस देना चाहते हैं, पेनल्टी मतलब कुछ माइनस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वो अलग अलग तरह का पेमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आप बोनस देना चाहते हैं उनको, दिवाली है, 500 रुपये बोनस देना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्विक नोट आपने डाल दिया कि दिवाली बोनस, इसके बाद में ये सेव कर दिया। तो ये पेमेंट आपका हो गया कि आपने इतना उनको बोनस दिया है। इसके अलावा आप और भी कुछ यहाँ पे पेमेंट उनको देना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ एडवांस देना चाहते हैं उनको, आपने कुछ उधार दिया है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये उनको और दिए तो ये मैंने ऐड कर दिए। अब ये उनकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने एडवांस, आपने उधार कुछ उनको दिया है।
इसके बाद में ऐड पेमेंट के बाद में अटेंडेंस उनकी, आप मान लीजिए पुरानी डेट की कोई अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं, किसी दिन आपने नहीं की है, तो आप जाके इस सेक्शन में जाएंगे अटेंडेंस, मान लीजिए आप 3 दिसंबर की एब्सेंट लगानी है, तो ये मैंने एब्सेंट लगा दी, यहाँ पे ये एब्सेंट लग गई इनकी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। आप डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं, आप जब से लेके जब तक की रिपोर्ट चाहते हैं उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रिंट करवा के रख सकते हैं, आप चाहें तो उनके साथ में सीधा शेयर कर सकते हैं नीचे शेयर के बटन पे। इनकी प्रोफाइल विजिट करने के बाद आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, इनकी सैलरी अगर आपको चेंज करनी है तो एडिट पे जाके वो चेंज कर सकते हैं, इनके अगर हॉलीडे जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए SMS अगर आप हटाना चाहते हैं तो वो हटा सकते हैं, SMS लैंग्वेज कर सकते हैं चेंज, और लास्ट में है डिलीट स्टाफ, तो आप इस स्टाफ को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट स्टाफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डू यू वांट टू डिलीट पूछेगा आपसे, अगर आप कंफर्म कर देंगे तो वो स्टाफ डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको पूरे समय ऊपर में एक ये वीडियो का आइकन दिखाया हुआ है और एक ये व्हाट्सएप का आइकन दिखाया हुआ है। व्हाट्सएप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हेल्प का बटन है, जिससे कि आप हमारे ओके स्टाफ के जो आपके कस्टमर केयर प्रतिनिधि हैं उनके पास आपका क्वेश्चन चला जाएगा कि आपने जैसे ही पूछा कि आई हैव ए क्वेश्चन ऑन ओके स्टाफ, आप यहाँ पे समस्या बता दीजिए कि क्या समस्या है आपको, आगे से वो आपको बता देंगे कि क्या इसका इलाज है, इस समस्या से कैसे आप निजात पा सकते। इसके अलावा आप यहाँ पे वीडियो आइकन पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे पहला है कि ओके स्टाफ क्या है, व्हाट इज ओके स्टाफ, हाउ टू लॉग इन, आपको लॉग इन कैसे करना है, हाउ टू ऐड स्टाफ। अगर आप पूरे वीडियो के अलावा एक एक चीज़ जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इनके अलावा भी आपको कुछ दिक्कत है तो ऊपर में हेल्प का जो बटन है वहाँ से आप हमारे कस्टमर केयर प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये हुआ आपका मेन पेज है स्टाफ का पेज। इसके बाद में आप नीचे देखिए 3 सेक्शंस हैं। पेमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो पेमेंट आपको बता देंगे कि आपने पेमेंट हिस्ट्री पूरी बता देंगे कि देखिए सबसे पहले आपने एडवांस दिया था, फिर बोनस दिया, फिर एडवांस दिया, ठीक है। डेट के साथ में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर स्टाफ तो अपन ने देख ही लिया है। इसके बाद अगर आपको नया स्टाफ ऐड करना है तो ये देखिए यहाँ पे नीचे ये स्टाफ ऐड करने का आइकन है, यहाँ से आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कर सकते हैं या फिर जैसे पहले किया था वैसे कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल, ये सेक्शन है प्रोफाइल सेक्शन, आपकी खुद की प्रोफाइल। यहाँ से आप ऊपर अपने स्टोर का नाम या अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप अगर ऐप को शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ तो शेयर ऑन व्हाट्सएप से ये शेयर कर सकते हैं। ऐप की भाषा जैसे अभी इंग्लिश चुनी हुई है, धीरे धीरे और नई भाषाएं इसमें ऐड होती जाएंगी तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ओके स्टाफ पर अपने स्टाफ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अभी शुरू करिए अपने स्टाफ को मैनेज करना बहुत ही आसान तरीके से। ये बिल्कुल सिक्योर ऐप है और बिल्कुल फ्री ऐप।